शिक्षक के पास आते हैं, गुड मॉर्निंग डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, टीचर, जूनियर्स एंड ऑल के पेरेंट्स। सबसे पहले मैं अपने जूनियर एंड सुपर जूनियर और इसके बाद सभी टीचरों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था है। आज मैं आप सब लोग के सामने खड़ा हूँ, आज का मेरा यह दिन है और आज भी मुझे वह दिन याद है जब पहली बार मैं फ्रेशर पार्टी के इंट्रो के टाइम यहाँ पे खड़ा था। तब का वह दिन था और आज का यह दिन है। यह 3 साल का हमारा सफर इस कॉलेज में हमें बहुत कुछ सिखाया। इस 3 साल के सफर के बीच में मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी टीचर हमारे जीवन को दिन प्रतिदिन सफलता के शिखर की ओर अग्रसर करने में प्रयत्नरत रहे, ऐसे सभी अध्यापकों का मैं तहे दिल से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बहुत ही अच्छा रहा, मैं इस 3 साल के सफर को मैं बता नहीं सकता कि कैसे हमारा ये सफर इस कॉलेज में रहा है। इस सबसे पहले जब मैं पहली बार इस कॉलेज में आया था, ये कितना हम लोग डरे हुए थे, एक दूसरे से अनजान थे, हमें नहीं पता था कि कौन कैसा है, लेकिन जो लेकिन वह लोग हमारे लिए कितना खास हो गए हैं उसे मैं शब्दों से बता नहीं सकता। जो चेहरे हमारे लिए अनजान थे वह कितने खास हो गए हैं उसे मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो चेहरे हमारे लिए अनजान थे वह कितने खास हो गए हैं, जो चेहरे हमारे लिए अनजान थे कितने खास हो गए हैं, पहले दिल से फिर जीवन से जुड़ गए हैं। कहते हैं उस दौर को जिंदगी जिसमें अनजाने ना जाने कब अपने बन जाते हैं। छूट गए बहुत दुख की बात है, शायद मेरे अंदर भी कुछ ऐसी कमियां गई हों जिसकी वजह से जो दोस्त बने वह दोस्त आज नहीं रह गए मेरे साथ, लेकिन जो दोस्त भी बने वह मैं अपनी फीलिंग्स को अपने शब्दों के माध्यम से बता नहीं सकता। मतलब 3 साल का मेरा सफर इतनी जल्दी इस कॉलेज में समाप्त हो गया, ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार माननीय सर के सामने यहाँ पे आया था, आज मैं आखिरी बार सर इस कॉलेज से जाने वाला हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि इस कॉलेज ने मुझे मेरे भाई से मिलवाया, मेरे पास कोई भाई नहीं था, मैं पहली बार इस कॉलेज में मनीष से मिला। मनीष अच्छे से हों और
और भी बुलंदियां हासिल करें ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ मानी सर के बारे में, मानी सर अब मेरा जो खुद का रिलेशन है, मैं शायद मानी सर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और आप लोग भी जानते होंगे। मैं पहली बार क्या कहूँ, मैं मात्र शायद तीन साल के साथ तीन बार मानी सर मुझसे बहुत प्यार से बात की। सर ने मुझे मेरी गलतियाँ शायद मेरे अंदर की कमी थी, शायद मैं उस लेवल तक सोच नहीं पाता था जो सर सोचते थे। सर ने मेरी गलतियों में मुझे कई बार डांटा, लेकिन सर की नज़र में जो गलतियाँ थी वो मेरी नज़र में गलतियाँ नहीं थी। सर इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। लेकिन सर ने मुझे बहुत समझाया, मेरे भविष्य को लेकर शायद उनको चिंता थी, इसलिए वह मुझे समझाते थे, डांटते थे और कई बार प्यार से भी बताया कि बाबू देखो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ऐसे आप करो। मैं कहना चाहता हूँ कि मुझ ना समझ को समझदार बना दिया, इस महफिल में बोलने का हकदार बना दिया। संगीता मैम आपका यह कर्ज कभी अदा नहीं कर सकता, आपको इस दिल से कभी जुदा नहीं कर सकता। सभी अध्यापकों से कहना चाहता हूँ, आपकी दुआएं सर पर हाथ चाहता हूँ, आपकी दुआएं सर पर हाथ चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। इस समय तो जलती ही बीत गया। आज कॉलेज की सीढ़ियां हमें देख रही हैं, आज आखिरी बार हम पर चलकर अपनी यादें ताजा कर लो, आज ये ग्राउंड चीख चीख के कह रहा है और आज ये पैसिफिक का मंच हम सबसे अलविदा कह रहा है। आज ये पैसिफिक का मंच हम सबसे अलविदा कह रहा है।